सत्तारूढ़ प्रवृत्तियों या खुद की इच्छा से अपने स्वयं के कपड़ों को पहनने के तरीकों से चुनाव को ही फैशन कहा जाता है। नोएडा के मार्वल स्टूडियो के प्रांगण में 3 दिवसीय 7वां ग्लोबल फैशन एंड डिजाइन वीक के 3रे दिन के पहले सत्र का शानदार आयोजन किया गया। फूड फेस्टिवल से कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए इसमें कई प्रकार के डिश का प्रदर्शन हुआ जिसके टेस्ट का कोई जवाब नहीं था। स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म स्टूडेंट्स द्वारा अलग अलग देशों की क्यूजीन कवैपसिसी सर्बिया कुंजेना पैप्रिका सर्बिया बोरेक बोस्निया उस्टिप्सी बोस्निया बनाकर परोसे गए। क्यूजीन का स्वाद चखने के लिए डॉक्टर संदीप मारवा प्रेसिडेंट ICMEI मोहम्मद सेंजिक एम्बेसडर ऑफ बोस्निया और हर्जेगोविना लाजर वुकादिनोविक डिप्टी हेड ऑफ द मिशन एम्बेसी ऑफ सर्बिया हेमंत सूद इंटीरियर डिजाइनर मौजूद रहे। I would like to thank Dr. Sandeep Marwa for inviting me here to get today. The surprise with the food is outstanding. I must compliment the chefs. The food is excellent. You prepared it very well. I felt like being home. Thank you. In fact, I came here to enjoy Fashion Week. But Mr. Marwa, who is always preparing some surprises, today there is no difference between meals that were prepared by these students and the best chefs in Bosnia and Serbia, I suppose. So I congratulate them because they did it. Studying through internet without previous experience, it was really tasty, and I hope they will continue to develop their skills. कार्यक्रम के दूसरे हॉल में AAFT स्कूल ऑफ इंटीरियर डिजाइन स्टूडेंट्स द्वारा फर्नीचर एग्जीबिशन लगाया गया। इतिहास से प्रेरित होकर इसमें कई देशों से प्रेरणा ली गई। इसमें क्यूबा मोरक्को पेरू वेनेजुएला कजाकिस्तान फिजी साइप्रस आयरलैंड आदि देशों से प्रेरणा लेकर खूबसूरत प्रदर्शनी लगाई गई। दीप प्रज्वलन के साथ फैशन शो की शुरुआत की गई। डायरेक्टर प्रोफेसर ऋतुलाल ने सभी अतिथिगण को फेस्टिवल बैच देकर सम्मानित किया। सभी अतिथिगण को पुस्तक भेंट कर उनका स्वागत किया गया। फैशन कभी भी स्थिर नहीं रहता, फैशन ट्रेंडिंग बदलती रहती है। अलग अलग देशों के अलग अलग परिधान हैं। फैशन शो में अलग अलग देशों की संस्कृति से प्रभावित परिधानों को खूबसूरत तरीके से दर्शाया गया, जिसमें कई कलेक्शन ड्रैगन्स ऑफ वियतनाम ईस्टर एग एंटीक्विक्स सोल्जर यूनिफॉर्म सर्बिया बोस्निया हर्जेगोविना आदि शामिल थे। बता दें कि मॉडल्स ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रैंप वॉक किया और अलग अलग देशों के डिजाइन कलेक्शन देखकर सभी गेस्ट ने खूब तारीफ की। डॉक्टर संदीप मारवा प्रेसिडेंट ICMEI ने सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा, फैशन का जादू आज लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है और ये जीवन जीने का भी एक तरीका बन गया है। ये लोगों के लिए आंतरिक सुंदरता और आराम का आईना है। वहां उपस्थित अतिथिगण ने भी स्टूडेंट्स और डॉक्टर संदीप मारवा द्वारा किए गए कामों की खूब प्रशंसा की। साथ ही गेस्ट को मॉडल्स और डिजाइनर्स के साथ कंट्री डॉक्यूमेंट भी दिया गया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथिगण को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के समापन समारोह में स्कूल ऑफ फैशन एंड डिजाइन के डायरेक्टर प्रोफेसर ऋतुलाल द्वारा सभी अतिथिगण और स्टूडेंट्स का धन्यवाद ज्ञापन किया गया। Lovely. It was beautiful as always and well organized, well conducted. We have seen a lot of creativity, a lot of good designed furniture, food, fashion. Everything was high level, and I am privileged to witness development of this institution for the last 5 years, and year after year, it was a higher level, so which is a really fantastic result. I congratulate Dr. Marwa and all staff, including you, like journalists. Thank you very much. Firstly, I would like to convey great thanks to Dr. Sandeep Marwa for organizing such an outstanding event. I think that he's an excellent educator, and I think that the students of his university really have an excellent role model. Today's show was excellent. The amount of professionalism,
the zeal of your students, the creators, the models, it was outstanding. Once again, thank you very much for inviting me here today. I had a great time. Thank you. Final day and first show, I think fantastic, out of the world, wonderfully designed clothes, excellent presentation, and I'm very happy that students have taken a note of each and everything possible when a model has to move on the ramp, including the accessories, including the makeup, including the hair. And I think I was trying to notice each and everything. They are perfect, absolutely professional, and to absolutely on an international standard. And I'm very happy that our foreign guests, especially people from Serbia and Bosnia right now, in this first session, they have loved the show, they have liked the show, and there were two segments of Bosnia, one segment from Serbia, which has actually won the heart of these diplomats. And I'm very happy. The purpose of the whole show is love, peace and unity through art and culture, and we have been able to depict that, we've been able to express that to the whole world. Pehli baat to yahan aake bahut acha laga. Teesra din hai aaj, humne pehla fashion show bhi dekha, furniture show exhibition dekhi, aur usse pehle ek food ka bhi demonstration hua tha. So pehli baat to mubarak AFT ko ki inhone teenon design fields mein बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है. फैशन शो वाज एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया था. आई थिंक हमने 6-7 डिज़ाइनर्स देखे, बहुत अच्छा शो है. और ऑब्वियसली और भी डिज़ाइनर्स आएंगे, बट जो हमने देखा बहुत बढ़िया था. फर्नीचर के बारे में खासकर मैं बोलना चाहूँगा कि अलग अलग देशों से जो अलग फर्नीचर पीसेज, कुर्सियाँ, टेबल, कुछ कॉन्सोल्स, साइड रैक्स, उन बच्चों ने डिज़ाइन किए हैं, बहुत ही बढ़िया हैं. और उन्होंने बहुत मेहनत की है कि बाकी देशों में जाके जो डिज़ाइन ट्रेंड्स हैं उनको फॉलो करना और उसको इनकॉर्पोरेट